चलो आ गए सब लोग। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमीज लाइव क्विज क्लास। माय नेम इज अरुण तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। ठीक है, चलिए। सो आज का सेशन दोस्तों, जो हमने बेसिक इंग्लिश इंप्रूवमेंट जो हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है कि हम पूरे 15 डेज में बेसिक इंग्लिश इंप्रूवमेंट क्लास हम चला रहे हैं, जहां पर मैं आपको बेसिक इंग्लिश जो आप बहुत पहले छोटे थे जब पढ़ चुका है आपने ये सब टॉपिक, वो सारे टॉपिक कर रहे हैं। और उसी कैटेगरी में आज का हमारा जो ये एक्चुअली कल से कंटिन्यूअस वाला ही पार्ट है, क्लॉजेस। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉजेस। ये मैं ऑलरेडी कल के 8 o'clock वाले सेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, क्लॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। फटाफट सब लोग लाइक करो, एवरीवन क्विकली 5 सेकंड के अंदर फटाफट लाइक करेंगे, धड़ाधड़ हम लोग क्विज पे आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल डिले करना नहीं है, हाफ एन आवर का क्विज है और इसके बाद फिर से एक क्विज है, तो लगातार आज आप 1.5 घंटे की क्विज करने वाले हैं। आपको बता दूं 7 o'clock स्टार्ट हो रहा है, 7 to 7:30 एक क्विज है और 7:30 to 8:30 मुस्कान मैम के साथ आपके हमारे मेंटी क्विज है। तो हमारी टोटल 1.5 आवर की मेंटी क्विज है, तो फटाफट लाइक करो भाई, अब तो भाई लाइक बनता है बॉस, फटाफट लाइक कर दो। चलो स्टार्ट करें, वेरी गुड। हाँ, ड्रुएट सेशन भी है, यस। चलो फटाफट लाइक कर दो, बिल्कुल लेट करना ही नहीं है भाई, लेट पूछने का ही नहीं, सर को पूछना ही नहीं है, डायरेक्ट लाइक कर ही देना, ऐसा पूछना नहीं आना, सर लाइक कर दो क्या। चलो मेंटी कोड भेजू, एवरीवन कैन आई शेयर द मेंटी कोड, लाइक 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 भाई, लेट नहीं करने का बॉस, लाइक में लेट नहीं करने का, बिल्कुल कंजूसी चलती नहीं है इधर, यू हैव टू गिव मैक्सिमम लाइक। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम अरुण सर लाइव आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, आपके दिल की भी घंटी बजे, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना, आधा अधूरा काम नहीं करना है। ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, वाह क्या बात है। ठीक है, चलिए, कैन आई शेयर द मेंटी कोड एवरीवन, लेट मी शो यू द मेंटी कोड। व्हाट इज द मेंटी कोड फॉर टुडे, 8776, दिस इज द मेंटी कोड एवरीवन। बाय द वे इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। हां, इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो मुझे, तो डेली आपको यहाँ पर लिंक मिलती रहेगी। इफ यू वांट टू गेट द लिंक, अगर आप चाहते हो कि आपको डेली मेरी क्लास की लिंक मिलती रहे, तो ये चैनल है टेलीग्राम पे, अरुण सर अन अकेडमी, इस पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आपको सारी लिंक यहाँ मिलती रहेगी। 8776, 8776 3934, 8776 3934, एवरीवन फास्ट। अब देखो ये 8 यहाँ लिख देता हूँ, यस 8776 3934 फास्ट। How many of you have joined? कितने हुए? 12, हमको 15 चाहिए भाई, 13 हो गए, दो और, हमारा रेगुलर, एक और, 14 हो गए, yes, quickly, 14 हो गए, fast, एक और, one more we want, हमको 15 students मांगता है बॉस, ठीक है, quickly, फटाफट शेयर करो, फटाफट। ओके चलो आ गए, सो 3 2 1 गो। लेट, ओए भाई ये 2 15 हुए थे, 13 कैसे हो गए, 2 कम कैसे हो गए, 19 आर ओवर हियर, यहाँ पे 19 है भाई और लाइक सिर्फ 9 है। स्टार्टेड,
फटाफट लाइक करो, चलो 19 लाइक्स है भाई। ये जो मैंने इटैलिक में किया हुआ है इसको पहचानना है कि ये क्या है। फेस्ड विद सो मेनी प्रॉब्लम्स आई डिसाइडेड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प। बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब प्रोफेशनल की हेल्प लूंगा। आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो इटैलिक में है ये लेटर, ये पूरा पार्ट जो है ये फ्रेज है या क्लॉज है। इज इट अ फ्रेज और अ क्लॉज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर सेंटेंसेस ओनली, ठीक है, दैट कन्वेज मीनिंग, जो एक मीनिंग कन्वे करते हैं। जबकि फ्रेजेस क्या होते हैं? दे डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग अनलेस दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। जैसे डिमिंग विद, फुल ऑफ, असेंड ऑफ, ठीक है। तो ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं वो वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, वर्ब और प्रेपोजिशन का कंजेशन कॉम्बिनेशन आते हैं। तो आपको क्या पहचानना था इसमें कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है? फ्रेज है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। क्लॉज इज अ सेंटेंस दैट कन्वेज प्रॉपर मीनिंग जो देता है, और क्लॉजेस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ब प्रेपोजिशन का, वर्ब नाउन के आते हैं, जो कि प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करते, जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती अगर वो सेंटेंस के साथ में ना आए तो। मैं आगे करूंगा ही नहीं सेकंड सेंटेंस जब तक मुझे ये पूरा लाइक नहीं मिलेगा। 23 है और 9 लोगों ने लाइक किया, मुझे समझ नहीं आ रहा ज्यादा क्या है आपका लाइक करने में यार। करते ही नहीं है, बहुत जिद्दी है बच्चे मेरी तरह। ललित, विश्रुद, खुश, बेल, श्रेया, स्ट्रिंगलिशियस, मिस रोशना, क्रिस देशमुख, पिंकी एंड संपदा। चलो फटाफट करो भाई, लाइक करो यार, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ कि फटाफट मेरे बच्चे लाइक करें। तो मैं फटाफट क्या बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन को, एवरीवन फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी 25 लाइक हो रहे हैं उतने जल्दी क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। क्विकली क्विकली 5 सेकंड, मैं 10 सेकंड तक काउंट करता हूं। ओके 9, ओके 7 6 5 4, नहीं करना ध्यान दो, बहुत जिद्दी बच्चे है। ये देखो, जॉन डिड हिज वर्क बिफोर, यहां तक जॉन डिड हिज वर्क, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या दोनों है? जॉन डिड हिज वर्क, ये जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या दोनों है या कोई भी नहीं? Yahoo, yes, this is independent clause. Independent clause का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो खुद में अपनी मीनिंग कन्वे करता हो, मीनिंग के लिए वो किसी और सेंटेंस या क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं हो। जॉन ने अपना होमवर्क किया, एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। बिफोर ही वेंट टू बेड, बेड पर जाने से पहले, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ये डिपेंड है। बेड पर जाने से पहले क्या, तो वो नहीं बताया हुआ है। 28 स्टूडेंट्स देख रहे हैं भाई, 28 स्टूडेंट्स हमको लाइव देख रहे हैं, और लाइव में सिर्फ 14 है और ज्वाइनिंग में सिर्फ 21 है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए, दिस इज अ बिग सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई डोंट लाइक मंडेज, आई डोंट लाइक मंडेज, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या फिर दोनों है या फिर एक भी नहीं है? कम ऑन क्विकली दोस्तों, फटाफट फास्ट आंसर करिए। आई डोंट लाइक मंडेज, मुझे मंडेज जो है ना, सोमवार मुझे पसंद नहीं है,
ये भी इंडिपेंडेंट ही है भाई, मुझे सोमवार नहीं पसंद है, अभी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, कोई क्या कर सकता है, व्हाट कैन वी डू, कुछ नहीं हमारे हाथ में, कुछ नहीं है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे वाली सिचुएशन है। बाबा लाइक तो बनता है बॉस यार, लाइक तो करो यार, क्या करते हो तुम लोग यार, दिल तोड़ देते हो मेरा। अच्छा रिजल्ट देखना आप लोग, हाय आर्यन, हाय काजिम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखते आज का विनर कौन होगा, क्या लगता है। हाय सृष्टि, हाय सृष्टि, माइंड जनरेटर इज ऑल्सो हियर, हाय अमित शर्मा। नाउ देखिए हर क्वेश्चन में जहां पर इटैलिक होगा उसी को आपको फाइंड आउट करना है। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, यस सबऑर्डिनेट होगा, टी नहीं रह गया यहाँ पे, एवरीवन टी रह गया यहाँ पे, सबऑर्डिनेट होगा, बट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड रहता है अपनी मीनिंग के लिए। इफ यू हेल्प मी तो क्या, अगर तुम इस सेंटेंस की पूरी मीनिंग जानना चाहते हो तो तुम्हें इस सेंटेंस को भी साथ में लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड है दूसरे वाले सेंटेंस पे, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तनुष, माइंड जनरेटर, श्रेया, पूरव, खुश, सुमित, लक्ष्य, मिस कृष्णा, टिंग्लिशियस, कृष देशमुख नीचे आ गए एंड ललित किशोर। आज आपकी 7 o'clock टू 8:30, फिर 9 to 9:30, यानी 1.5 घंटे यहां पर और 1 घंटे वहां पर इकोनॉमिक्स की। बाप रे तो कितनी मेहनती करोगे आज, तो पूरी की पूरी मेहनती क्विज ही है। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षित, आदिदेव, मुरुगन, आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर, आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर, मुझे एक नए कैलकुलेटर की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग फंस गए। देखो फ्रेज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रेज इतना बड़ा नहीं होता मेरे भाई। फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है क्योंकि ये क्लियर मीनिंग देता है, आई नीड अ कैलकुलेटर, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है। इसका मतलब है कि ये मेन क्लॉज है, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस है, सिंपल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आर्यन हैकर ग्रोसे हैं, ललित स्टिंग्लिशियस, मिस कृष्णा, लक्ष्य, क्रिस देशमुख, श्रेया, आर्यन, सौम्या, सुमित, निर्मल, सेते विल विन। ओके चलो डेफिनेटली। सौम्या मीना, ये जो बेटा कर रहे हैं वो क्लॉजेस के तो है, क्लॉजेस मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस ही होते हैं, बट ये दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब जब किसी सेंटेंस को
खुद पे यकीन नहीं होता ना कि अपने खुद में कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है मीनिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअली। इसमें आपको ये वाला सेंटेंस फाइंड आउट करना है, सी इज फिट, सी इज ये वाला, सी इज फिट ओनली, या फिर आप इस पूरे सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि ये है क्या, फ्रेज है कि क्लॉज है कि दोनों है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सी इज फिट, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज सी इज गोइंग, सी गोज फॉर रनिंग एवरी डे, तो ये इंडिपेंडेंट है। अल्टीमेटली ये दोनों है क्या, क्लॉज है, क्लॉज में दो अलग अलग है लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसको जनरली क्या बोलेंगे, क्लॉज है सर, इसमें दो क्लॉज है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ मेन क्लॉज, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिकॉज है, यस वेरी गुड निर्मल, वेरी गुड, चलो वी आर द मिड वे टू द क्विज, यस यस लालन प्रसाद सिन्हा, आई वॉज डूइंग अ मैथ टेस्ट व्हेन द फायर अलार्म रैंग, इसमें देखो यहां से है इटैलिक, व्हेन द फायर अलार्म रैंग यस्टरडे, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है या ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, प्लीज देखिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, ओ माय गॉड, दिस वाज अ गेम चेंजर, दिस वाज अ गेम चेंजर, डिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या डिफरेंस है, देखो व्हेन द फायर अलार्म रैंग, जब फायर अलार्म बजा तो क्या, इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और हम डिपेंडेंट क्लॉज को ही सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, इसका मतलब है कि ए और सी मतलब दोनों सही है, यस, बहुत सारे लड़के हैं, सिर्फ 6 लोग ही सही हुए, माय गॉड, टॉप 10 में सिर्फ कृष्णा, क्रिस, आर्यन और पूरा भी सही है, बाकी सब लटक गए। This was a good question. Yes, Miss Krishna is now first. Lalit is also second. Question number 8. Half pura complete ho gaya. We are now second half pe aa chuke hain. Answer fast to get more points. Because the test was so difficult, yahan se, none of the student got a very good grade. None of the student got very good grade. ये आपको करना है, find out करना है। Oh wow! अब थोड़ा समझे आप लोग। देखो, because the test was, देखो जिसमें कंजंक्शन लगा होता है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, ये आप समझ लो, जहां पर भी कंजंक्शन लगा होगा, बिकॉज द टेस्ट वाज सो डिफिकल्ट, क्योंकि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट था, तो क्या करूं, तो रिजल्ट यहां से आ रहा है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड ग्रेड, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नन ऑफ द स्टूडेंट गॉट, किसी भी बच्चे को अच्छा रिजल्ट ग्रेड नहीं आया, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज कहते हैं, इसलिए दोनों ही सही है यहां पर। हाँ वो एक ट्रिक बता दी ना, तो अब नहीं फंसेंगे, वो एक बार तो फंसा ही लिया, लेकिन मैंने, अरे ये मैंने जस्ट आफ्टर दे उस क्वेश्चन के बाद दे दिया, पीछे देता इस क्वेश्चन को तो बहुत लटकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, यहाँ पे देखो ये वाला है, व्हेन आई लिव्ड इन टोक्यो,
I lived in Tokyo, I played tennis every day. जब मैं टोक्यो में रहता था तो टेनिस हमेशा खेलता था. ये वाला फाइंड आउट करो. ये आसान हो गया, मैंने ट्रिक भी बता दी थी अभी. अब आसान हो गया, अब कोई नहीं बचेगा, मुझे पता है. पता ही है भाई, कंजंक्शन जिसमें लगा हुआ है. When I lived in Tokyo, जब मैं टोक्यो में रहता था तो क्या करता था. क्लियर है ही नहीं, क्लियर भी नहीं, यहां से आ रही है तो ये हुआ इंडिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. यहां से आ, while my mother is cooking, यहां से sentence, while my mother is cooking dinner, जब मेरी माताजी डिनर बना रही थी तब क्या. तो मैं उस टाइम पे जनरली अपना होमवर्क करता हूँ. ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज. वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा जा रहे हैं आप. चलो क्वेश्चन नंबर 11 एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, लेट्स गो. कंप्लीट दिस सेंटेंस. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब and. Done. एक तो देखो कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए वो पहला, दूसरा कोहेरेंट कनेक्शन. हा, कैन स्टैंड अलोंग एज अ कोहेरेंट सेंटेंसेस. तो मतलब क्या हुआ कि आप इंडिविजुअली जब आप किसी की बात करते हो, कंप्लीट दिस सेंटेंस, तो जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और एक वो मीनिंग भी दे. सेंटेंस है तो मीनिंगफुल होना चाहिए पहला, और दूसरा जो है वो कोहेरेंट सेंटेंस होना चाहिए. कंपैरेटिव, जिसको आप स्टडी करके कंप्लीट मीनिंग एक निष्कर्ष जिसको कहते हो ना, एनालाइज कर सके कुछ. On the basis of that, you can take decision. बहुत कम लोग सही हैं. चार. Seven thirty. Question number 12, everyone. Choose the true statement. कौन सा statement सही है? A subordinate clause standing alone is an error called a sentence fragment. Division. Sentence का, of course,
इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों जो दोनों को जोड़ कर ही तो सेंटेंस बनता है मीनिंगफुल। जब उनको अलग कर दोगे तो आपने उनके टुकड़े कर दिए। ठीक है, ओहो तो के श्रेया कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन, अभी क्विकली लास्ट थ्री क्वेश्चन। व्हिच एग्जांपल शोस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों एक सेंटेंस होने चाहिए। सी वेटेड द गार्डन एक सेंटेंस हो गया एंड सी वेप्ट आउट द गैराज ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दोनों इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं है एंड के बाद, समझ रहे हो, और बिफोर नहीं एंड होता है, बोला हुआ है बहुत क्लियरली बोला हुआ है। ओह माय गॉड, हैकर्स प्रो लक्ष्य एंड सौम्या ओनली तीन लोगों का करेक्ट हुआ है, पर कुछ खास चेंज आया नहीं है। Which example shows a noun clause acting as a noun in a complete sentence? Noun clause acting as a noun in complete sentence. What her brother needs is someone to tutor him in geometry. Her brother needs someone to tutor him in geometry. She said her brother needs someone to tutor him in geometry. Very easy, बहुत आसान है यार ये तो, पढ़ के ये आंसर मिल जा रहा है इसका तो। वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो क्या बोला है ना, आप इसको अगर बनाओगे हर ब्रदर नीड समवन टू ट्यूटर हिम, तो यहाँ इंफिनिटिव आ गया और इंफिनिटिव के साथ आपने क्या यूज किया, तो यहाँ पर ये रहा ना नाउन क्लॉज जो बना उसके वाई को क्या जरूरत है, व्हाट हर ब्रदर नीड्स, दैट इज ये, तो ये जो वर्ड कंजंक्शन हुआ यहाँ पर उसके बाद ये नाउन क्लॉज बना, इसमें वो चीज नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, हर ब्रदर नीड समवन टू ट्यूटर इन ज्योमेट्री। और इसको बंद करके फाइनल रिजल्ट देखेंगे हम लोग। व्हिच एग्जांपल इज करेक्ट, द अटेंडेंस अवार्ड वेंट to whom ever had perfect attendance all year. Easy है क्या? Easy है, the attendance award went to whoever had perfect attendance all year. This one, whoever, मतलब जो भी पूरे साल भर प्रेजेंट रहा है उसको अटेंडेंस अवार्ड गया है। देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। मिस कृष्णा इज द विनर, कांग्रेचुलेशंस टू मिस कृष्णा, कांग्रेचुलेशंस डियर। हाँ बिल्कुल, क्लॉजेस पर लेंगे। ठीक है, चलो चलो। So everyone, now we will meet at just after 5 minutes. 5 minutes mein hum log mil rahe hain 7 o'clock on another channel, Unacademy Live 9-10. Unacademy Live 9-10. So theek hai, duet session mein milte hain uspe GK ka. Bye everyone.